मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे।